कभी तो खिली धूप है और कभी है छाया। माया जगता जब रे बंधु माया जगता चुबा। गोविंद लाल का गांव की सुंदरी विधवा रोहिणी के साथ संबंध की खबर पाकर कृष्णकांत उसे अपने विल में लावारिस कर देते हैं और उसका हिस्सा उसकी पत्नी भ्रमर को दे देते हैं। इस अपमान और भर्त्सना को गोविंद लाल सह नहीं पाता और वो घर छोड़ देता है। बाद में वो नाम बदलकर प्रसादपुर रहने लगता है। वहीं वो चुपचाप रोहिणी को भी बुला लेता है और दोनों छुपकर एक साथ रहने लगते हैं। अब उठो, कपड़े पहन लो, चलो कहीं बाहर चलते हैं घूमने। चलते हैं ना, जल्दी क्या है, पहले पास आ। मन उग गया मेरा मकान की इस चारदीवारी में, न कैसे मिलना न कहीं आना जाना। मुझसे भी मन उब गया है क्या? कैसी बातें करते हो, पर बताओ तो कब तक हम यूं ही मुंह छिपाए पड़े रहे और क्यों? ऐसे तो सारा जीवन नहीं चल सकता ना। लो, तुम्हारे उस्ताद जी आ गए गाना सिखाने। नहीं सीखना मुझे गाना वाना, जब देखो किताब लिए बैठे रहते। गाना गाकर और किताब पढ़कर तो नहीं चल सकता, दुनिया है, समाज है, उसमें भी तो निकलना होगा किसी को। मैं समझती हूँ तुम्हारे मन को, पर बताओ मैं भी क्या करूं? तलाव में रहकर भी कब तक हम यूं ही प्यासे रह जाएं? हमें क्यों नहीं औरों की तरह एक साधारण जीवन बिताएं? बोलो ना, कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या पूछ रही, सुन नहीं रहे क्या? सुनोगे कैसे, मन तो वहीं पड़ा हुआ है ना, हरिद्रा ग्राम की राजबाड़ी में। आप जाइए, मैं यहीं हूं। 20, 20, 25, 25, 25, 25, 35, 35, 40, 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
पैतालीस पैतालीस पचास बावन महाशय क्या ब्राह्मण है? बावन साठ 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 महाशय क्या ब्राह्मण है? कौन है? ओफ तुता तुम आप बैठ 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 कैसे हो? कुछ पहचाना सा लग रहा है। ये चिट्ठी मैं ही बांटता हूँ। ठीक है तुम जाओ एक चिलम सजा के ले आओ। 75 51 51 अभी ले सरकार 102 102 3 3 3 एक बात पूछने आया था वो तो पता ही लग रहा है 108 आप ब्रह्मन हमको जानते हैं? नहीं मतलब ठीक से नहीं पहचानता 103 उसके नाम की कोई चिट्ठी पत्री आती है? डाकघर की बात बताना हम लोगों को मना है 130 मैं जानता था आप ऐसे नहीं बताएंगे इसलिए कुछ भेंट पूजा भी साथ लेता आया हूं। चिट्ठी आती है? आती है। कितनी दफा? पहले जो बताया है उसकी दक्षिणा तो निकालिए बाद में दूसरी बात पूछिएगा। 140 लगता है आप इस इलाके के नहीं है, मुझे शायद पहचाना नहीं। आप जो भी हो डाकघर की बातें क्या हम लोग सबको बताते फिरते हैं? कौन है आप?
मेरा नाम माधवीनाथ है, राजग्राम का माधवीनाथ सरकार। बहुत से लठैत हैं मेरे पास जी, कुछ नौ छौ किया तो तुम्हारा घर फुकवा दूंगा, इस डाकघर में डकैती हो जाएगी और अदालत में ये साबित कर दूंगा कि तुमने अपने आदमियों से खुद डकैती करवाई है। क्यों, अब बताओगे? क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है। माफ कीजिएगा, आप तो नाराज हो गए। मैं जानता नहीं सर कि आप ही माधवीनाथ बाबू हैं। बैठिए ना, अब बैठिए ना, आप तो जो पूछेंगे मैं सब आपको बताऊंगा। बैठिए। ब्रह्मानंद की चिट्ठी आती है? आती है, आती है। बराबर आती है? बराबर, एक ही जगह से आती है और वो भी रजिस्ट्री में आती है। कोई चिट्ठी या रसीद है आपके पास? कल ही तो आई थी। ये, ये। सुनीलाल दत्त, प्रसादपुर। एक दिन शिकार खेलने जाने में कोई खराबी नहीं है रोहिणी। जब देखो तब शिकार, उसी दिन तो गए थे। मुझसे मन उब गया है क्या? तुम भी बस, पर रोज रोज क्या एक ही चीज अच्छी लगती है? तो मैं दिन भर क्या करूं? क्यों, गाने बजाने में अब मन नहीं लगता है क्या? बस हमेशा वही गाना बजाना। अच्छा रोहिणी, क्या तुम यहां खुश नहीं हो? यही तो तुमने चाहा था, अपना घर, अपना आदमी। तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे भी बहुत कुछ मिला है। वो तो नहीं मिला जो चाहा था। क्या चाहा था रोहिणी? चाहा था एक साधारण सी स्त्री का साधारण सा जीवन, जिसमें मैं ये भूल सकूं कि मैं विधवा, इस धरती पर भगवान का एक अभिशाप। पर मिला क्या, एक सजा बजा खुला हुआ जेल खाना, जिसमें हम मुंह छिपा कर पड़े घुट रहे हैं। मेरा आदमी मेरा पति नहीं है, बस पति बनने का खेल खेल रहा है। मेरा घर, मेरा घर नहीं है, बस रंगरेलिया करने का एक मुकाम है। मैं तो बीच ही में रह गई, ना सदवा ना विधवा। नहीं करोगी तो गाना कैसे आएगा? क्या हुआ? और क्या होगा, वही गाना गाना और गाना। हमें नहीं सीखना और गाना गाना। क्यों, गाने में क्या खराबी है भौरा? भौरा गलती हो गई, मुझसे निकल गया। जो मन में है वही तो मुझसे निकलेगा, वही तुम्हारे सर पर सवार है, यही तुम्हारे और मेरे बीच दीवार बनकर खड़ा है, मुझे भीतर ही भीतर से तोड़े दे रहा है। ये सब क्या कह रही हो?
अब कैसे समझाऊं तुम्हें? क्या समझाओगे? क्यों हम नदी में पत्थर की तरह पड़े रहे? हमारे पास से सब कुछ हमें छू कर निकलते जाए, टूटते जाए। क्या सब कहे जा रही हो? क्या टूटा है? सब कुछ। सब कुछ टूट रहा है। क्यों दरवान जी, कौन गा रहा है? बहुत अच्छा है। कोई काम है बाबूजी? हाँ, तुम्हारे बाबू साहब से मिलना है। अंदर जाना मना है, सरकार किसी से नहीं मिलते। ये रखो, बाबू से मुलाकात होने पर और भी मिलेंगे। आइए, कोशिश करते हैं। ये बाबू सरकार से मिलना चाहते हैं, जरूरी काम है। बाबू साहब तो किसी से मिलते मिलते नहीं, क्या काम है? ये तुम लोगों को बताने का नहीं है, उन्हीं से बात करने का है। अब आपको कैसे बताएं, हमारी नौकरी चली जाएगी। अच्छा, हम कोशिश करते हैं, आप यहीं ठहरिए। तुम भी बाकी क्यों रहो? मैं जरा बागीचे में घूमता हूँ, उसके ऊपर से आने पर मुझे बुला लेना। एक बार बाहर आइए। माँ, एक बाबू आए हैं, मालिक से मिलना चाहते हैं। कौन है? नीचे खड़े हैं। कहाँ से आए हैं? बताया नहीं। जा पूछ कर आ। कौन है ये? इस जगह का तो नहीं लगता, कोई बड़े घर का होगा। इनसे मिलो, बातें करो, नुकसान क्या है, कुछ समय ही कट जाएगा। बाबूजी, बाबूजी, अब कहां से आए हैं? कौन पूछ रहा है? मालकिन। वो मैं तुम्हारे बाबूजी को ही बताऊंगा। बाबूजी, अरे कहां चल दिए? ओ बाबूजी, ए बाबू सुनिए ना, सुनते ही नहीं है। बाबू, क्या बात है? कौन है आप? मेरा नाम है राज बिहारी दे, घर 12 नगर। अब यहाँ कैसे आ गए बिना खबर भिजवाए? हम तो बहुत मना किए पर ये जबरदस्ती। बहुत जरूरी काम था, आप एक बार इसे जाने को कहेंगे? तू उधर जाकर खड़ा रहो। आपकी पत्नी भ्रमरदासी
मुझे कुछ संपत्ति बेचना चाहती है। इसके लिए आपकी सही की जरूरत थी। वो आपका ठिकाना नहीं जानती ना, चिट्ठी लिखना चाहती थी, इसीलिए मुझे यहां आना पड़ा। पर आपको यहां का पता कैसे मिला? वो मत पूछिए। पर बाबा रे, कितनी परेशानी उठानी पड़ी आपको ढूंढ निकालने के लिए। इस काम में मेरी सही की कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अब दया करके यहां से जाइए आप। क्या कह रहे हैं आप? इतनी मुश्किल से मैं यहां तक पहुंचा, बस दो लाइन लिख दीजिए, मेरा काम हो जाएगा। मैंने कह दिया ना, कुछ नहीं करूंगा। अब जा सकते हैं। ये बाबू मेरे बाबा के घर से आए हैं, उन्हें नीचे जाकर बैठा, घर के बारे में दो चार बातें पूछनी है। बाबूजी, ओ बाबूजी, इतनी जल्दी मत कीजिए, चलकर उस कमरे में थोड़ा बैठिए, मालकिन आपसे बात करना चाहती है। क्या बात है? आप उनके देश के हैं ना, इसीलिए अकेले में बात करना चाहती है, मालिक से छिपाकर। मालिक से छिपाकर? हाँ। यहां मिलेंगी? और कहीं तुम्हारे मालिक ने देख लिया तो फिर तुम ही सब लाठी से मारोगे मुझे। तो आप छिपकर बगान में खड़े हो जाइए, अगर मालिक देख ले तो भाग जाइएगा। मेरी शामत आई है। अच्छा, एक काम कर, नदी के पास जो पक्का घाट है ना, जहां ताड़ के दो पेड़ भी हैं, मैं थोड़ी देर वहीं रुकता हूं, अपनी मालकिन से कह दे वहीं आकर मिल ले, ज्यादा देर ना करे। क्यों नहीं कर सकूंगा, आप बताइए तो। तुम्हारी मालकिन ने कहलवाया है, नदी के पास वो जो पक्का घाट है, वहीं जहां दो ताड़ के पेड़ भी हैं। ठीक है, समझ गया, समझ गया। थोड़ी देर बाद वो चुपके से आकर मुझसे मिलेंगी। कोई खास बात है? ये बात अपने बाबू साहब को दे सकोगे? अरे, ये कौन सी बड़ी बात है, अभी दे आता हूं। अरे इतनी जल्दी नहीं, जब वो यहां से निकलने लगे तब दे देना। बस उसके बाद गांव में आकर मुझसे रमेन बाबू के यहां मिल लेना। हाँ ठीक। और हां, सावधान रहना। कौन कौन है वहां? आप कौन है? मैं राज बिहारी दे। और तुम? मैं रोहिणी। इतनी देर कैसे हुई? बिना देखे सुने कैसे आती? आपको बहुत इंतजार करना पड़ा। नहीं, कोई खास बात नहीं, डर था, कहीं तुमने भुला तो नहीं दिया। भुला ही पाती तो मैं यहां होती, भुला ही तो नहीं पाती। माने क्या मतलब? कौन कौन है? तुम? मैं केवल इनसे मेरे गांव का हाल पूछने आई थी, मेरा कोई और इरादा नहीं था। मैं तो इनको जानती तक नहीं, विश्वास नहीं होता तो इन्हें से पूछ लीजिए। अरे यहां तो कोई भी नहीं।
हाँ यहाँ कोई नहीं, मुझे देखकर यहाँ कोई रह भी नहीं पाता। आओ चलो मेरे साथ। चलो रोहिणी, तुम मेरी कौन हो रोहिणी? कोई नहीं, जितने दिन पैरों में रखो उतने दिन दासी, उसके बाद कुछ नहीं। पैरों में कैसे रोहिणी, तुम्हें तो हर पल सर पर रखा। तुम्हारे लिए ये राजा उस अठाठ निष्कलंक चरित्र सनातन धर्म सब छोड़ा। कौन हो तुम जिसके लिए मैंने सब कुछ तिलांजलि दे दी? उस पवित्र अवध और आदर्श स्त्री प्रमुख को भी छोड़ दिया। कौन हो रोहिणी, बोलो बोलो। हो जाओ, एक बार खुद मरने गई थी, अब फिर से मरने का साहस है? साहस क्यों नहीं होगा, भाग्य में जो है वही तो होगा। ऐसे ही खड़ी रहो, हिलना मत। क्यों मर सकोगी? नहीं नहीं, मैं मर नहीं सकूंगी। मुझे मत मारो, अपने पैरों में न रखो तो विदाई दे दो। वही दे रहा हूं। नहीं नहीं, मत मारो मुझे, मारो मत। मैंने मेरी उम्र क्या है, मैंने कितना सुख देखा है। मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी। अपना वो तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगी, कभी नहीं दिखाऊंगी।
जबरे बंधु माया जगत आजुबा आखुले तो हरा हरा सब आख मुदे तो दुखा जबरे बंधु माया जगत आजुबा जैसी करनी वैसी भरनी सुख दुख उसकी माया प्रेम कभी तो खिली धूप है और कभी है छाया ओ दयाल रे पलक पे तो रानी राजा पल में सब कुछ डूबा माया जगता जबरे बंधु माया जगता डूबा माया जगता जबरे बंधु